हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। तो फाइनली दोस्तों, टेक बाइट का एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ढेर सारी न्यूज के बारे में जो कि आ रही है इंटेल की तरफ से, एनवीडिया की तरफ से और एएमडी की तरफ से। तो सबसे पहले टेक न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आ रही है इंटेल की तरफ से। ये दोस्तों केवल लीक है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। यहाँ पर दोस्तों लीक में कोर i9 9900K और कोर i7 9700K और कोर i5 9600K शो हुआ है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन की दोस्तों अगर बात करें तो जो कोर i9 है वो 8 कोर और 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, पहला कंज्यूमर ग्रेड प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर है। वही अगर कोर i7 की बात करें तो ये दोस्तों एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है, 6 कोर और 12 थ्रेड वाला। और कोर i5 की बात करें तो ये 6 कोर और 6 थ्रेड वाला है। हालांकि इनकी फ्रीक्वेंसी, बूस्ट फ्रीक्वेंसी, TDP ये सब के बारे में कुछ अनाउंस नहीं किया गया है। और यहाँ पर मुझे एक चीज और समझ में नहीं आई कि यहाँ पर कोर i3 का कोई भी जिक्र नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर ये भी लॉन्च हो, और डुअल कोर का तो अता पता ही नहीं है। सबसे अजीब चीज ये है दोस्तों कि ये जितने भी प्रोसेसर थे ये Z390 प्लेटफॉर्म के लिए एक्सक्लूसिव है। मतलब कि इंटेल अगर अभी लॉन्च करता है तो ये आप केवल Z390 मदरबोर्ड पे ही यूज कर सकते हैं, आप अपने कॉफी लेक मदरबोर्ड पर इसे यूज नहीं कर सकते। और ये बड़ी बात नहीं होगी कि Z370 को इंटेल आने वाले आइस लेक सीरीज पर इसे डिसकंटिन्यू भी कर दे, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। सेकंड न्यूज की दोस्तों बात करें तो ये आ रही है थ्रेड रिपर की तरफ से। फाइनली दोस्तों थ्रेड रिपर 2990X जो AMD की तरफ से फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो एक वेबसाइट पर लिस्ट हुआ था $1502 का। अगर आप इंडियन करेंसी में इसे अभी कन्वर्ट करते हैं तो करीब करीब 1,00,000 रुपए का मिल जाता है। वहीं AMD यही ट्राई कर रहा है कि इस प्रोसेसर को एज अ फ्लैगशिप प्रोसेसर उतारा जाए। अगर आपको याद हो तो पिछली सीरीज का फर्स्ट जनरेशन का जो थ्रेड रिपर था उसने i9 को काफ़ी अच्छी टक्कर दे दी थी। और वही अगर आप करेंटली i9 की प्राइस की बात करें तो i9 जो है वो आज की डेट में आपको 1,50,000 रुपए का मिल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन की दोस्तों वहीं अगर बात करें तो थ्रेड रिपर आपको 32 कोर, 32 कोर और 64 थ्रेड देता है। वही अगर कोर i9 की बात करें तो ये आपको मैक्सिमम 16 कोर और 32 थ्रेड देता है। तो आप ये समझ सकते हैं AMD यहाँ पर आपको दुगनी वैल्यू ऑफर कर रहा है प्लस बहुत कम प्राइस में। थर्ड न्यूज की बात करें तो दोस्तों ये आ रही है ASRock की तरफ से। इस न्यूज को बताने से पहले मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। आज का एपिसोड दोस्तों स्पॉन्सर्स किया गया है genuinekeys.in की तरफ से। अगर आप कोई चीप विंडोज की खरीदना चाहते हैं और आप बहुत बजट में हैं, या आप एक नया गेमिंग PC बिल्ड बना रहे हैं और आप उसके लिए विंडोज ढूंढ रहे हैं तो genuinekeys.in को आप एक बार जरूर चेक कर लें। यहाँ पर दोस्तों आप विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज सर्वर, इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कीज भी खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा जहां पर आप उसे यूज करके एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो वापस आते हैं हमारे टेक न्यूज पे। ASRock ने दोस्तों अपने नए ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि RX 570 और RX 580 EMEA रीजन के लिए लॉन्च कर दिया है। अब ये EMEA क्या है? E मतलब यूरोप, ME मतलब मिडिल ईस्ट और A फॉर अफ्रीका। ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये केवल एक्सक्लूसिव इसी रीजन पर अवेलेबल होंगे। वैसे जो ज्यादातर कंपनियां होती है वो USA को टारगेट करती हैं। ASRock ने कुछ नया ट्राई करने की सोचा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वैसे RX 570 और RX 580 बहुत कम ही लोग खरीदते हैं। अगर आप में से कोई लोग यूज कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नाउ लास्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है एनवीडिया की तरफ से। एनवीडिया का नया कार्ड दोस्तों यहाँ पर रेडिट ने किसी ने पोस्ट करा है। हालांकि ये ग्राफिक्स कार्ड पूरा नहीं है, ये केवल PCB है जिसमें से एक ग्राफिक्स, जिसमें जो ग्राफिक्स का प्रोसेसर जो होता है GPU वो मिसिंग है। यहाँ पर ये क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पर जो ग्राफिक्स का जो मॉड्यूल है, मेमोरी मॉड्यूल, ये GDDR6 है। एक चीज यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि जो अगर आप में से किसी ने 1080 Ti देखा होगा तो वहाँ पर आपको दो पावर कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, 8x2 मतलब कि 8 पिन के दो पावर कनेक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इस PCB को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 पावर कनेक्टर की जरूरत पड़ रही है। अब 3 पावर कनेक्टर वाला पावर सप्लाई शायद ही बहुत महंगे आते हैं। कॉमन सी बात है 1180 Ti जो बंदा खरीदेगा तो उसके पास अच्छा पावर सप्लाई भी होगा। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि ये PCB 1180 Ti की नहीं है। जिसने भी ये पोस्ट लिखा है वहां पर इसने क्लियरली मेंशन करा है कि ये हो सकता हो टाइटन सीरीज का हो सकता हो पास्कल सीरीज का हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एनवीडिया के जितने भी कार्ड होते हैं उनका बेसिक आर्किटेक्चर वो सेम होता है। यहाँ पर वो केवल कट डाउन कर देते हैं ग्राफिक्स कार्ड को और छोटी सीरीज बना देते हैं। तो अगर ये GDDR6 है तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत चर्चे में है 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर,
वहां पर ESMC, मैंने आपको पिछली बार बताया था, ताइवान की एक कंपनी है जो कि 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर वाली डाइस बनाती है, वहां पर उसने ये भी क्लेम करा है कि एनवीडिया ने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली है। तो ये एक थोड़ी सी गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। 1180 Ti जैसे कि लॉन्च होने वाला है और ESMC ने कंफर्म कर दिया है कि 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर को हरी झंडी दे दी है एनवीडिया ने। तो अगर आप 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्यूरिंग से तो उसको आप भूल जाइए, ट्यूरिंग में तो नहीं आएगा, हो सकता हो 1280 में आ जाए, क्योंकि जो 7 नैनोमीटर की डाई है वो एटलीस्ट 2019 में रेडी होगी, वो भी मिड में। तो एक साल का गैप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता हाई एंड कार्ड 14 नैनोमीटर पे बनाएंगे, छोटे कार्ड 7 नैनोमीटर पे हो भी सकता है। वेल, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टेक न्यूज़, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।